अगर कोई मुझसे पूछे कि सबसे बड़ा रिस्क सोलर पावर प्लांट के लिए या किसी भी एनर्जी पावर प्लांट के लिए क्या है, तो मैं बोलूंगा सबसे बड़ा रिस्क है लैंड और लैंड एक्विजिशन। और लैंड एक्विजिशन इसलिए बहुत बड़ा रिस्क है क्योंकि लैंड इज अ स्टेट सब्जेक्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसीलिए जो पावर इंजीनियर्स हैं उनको लैंड लॉस की अंडरस्टैंडिंग टू डी रिस्क द सोलर प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए डॉक्टर गोपाल एनर्जी फाउंडेशन एंड सोलर इज माई पैशन दोनों ने मिलके एक कोर्स लॉन्च करा है जिसका नाम है लैंड एक्विजिशन लॉस फॉर सोलर प्रोजेक्ट। अगर ये कोर्स या ये वर्कशॉप आप अटेंड करते हैं तो आपको क्लियर कंसिस्टेंट जानकारी मिल जाएगी विथ रिस्पेक्ट टू लैंड लॉस एप्लीकेबल अक्रॉस इंडिया। और जब आप सोलर प्लांट लगाएं या पावर प्लांट लगाएं या ट्रांसमिशन का इवैक्यूएशन करें तो कौन कौन से लॉज आपके लिए एप्लीकेबल है वो आपको जानकारी मिल जाएगी। सेकेंडली, लैंड एक्विजिशन के बाद एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जो भी पावर है आपके पास, सोलर पावर आपने जनरेट कर ली, उस सोलर पावर को कहीं ना कहीं तो आप यूज करेंगे और उसको यूज करने के लिए आपको लॉज एंड पॉलिसी की जानकारी बहुत जरूरी है। लॉज एंड पॉलिसी की जानकारी के लिए एक सेकेंड वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर रही है डॉक्टर गोपाल एनर्जी फाउंडेशन एंड सोलर इज माई पैशन जॉइंटली। उस वर्कशॉप का नाम है सोलर लॉज एंड पॉलिसी वर्कशॉप। थर्ड चीज, एक चीज ध्यान में रखने वाली है कि जब सोलर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है या इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हो जाते हैं तब इलेक्ट्रिसिटी लॉस फॉलो करना बहुत जरूरी है। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 और बहुत सारे स्टेट्स ने अपने स्टेट इलेक्ट्रिसिटी एक्ट बनाए हैं। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 और स्टेट एक्ट्स आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं? आपको अपनी इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लेने हैं, आपको टैरिफ कैसे डिटरमाइन करवाना है या कैसे आप टैरिफ अडॉप्ट करेंगे, आप नेगोशिएट कैसे करेंगे अपना टैरिफ अगर इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कंज्यूमर्स हैं तो टैरिफ के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं वो आपको पता चलेंगे हमारी थर्ड वर्कशॉप में, जिसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी लॉस की वर्कशॉप। सो इलेक्ट्रिसिटी लॉस की थर्ड वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करी जाएगी डॉक्टर गोपाल एनर्जी फाउंडेशन एंड सोलर इज माई पैशन के द्वारा जॉइंटली। फोर्थ वर्कशॉप जो ऑर्गेनाइज होने वाली है वो है विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। आप कोई भी सोलर पावर प्लांट लगाते हैं, विंड पावर प्लांट लगाते हैं, बायोमास पावर प्लांट लगाते हैं, वंस इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन शुरू हो जाता है तो आपके बहुत सारे लोगों से डिस्प्यूट हो सकते हैं। आपका डिस्प्यूट हो सकता है आपके वेंडर से, आपका डिस्प्यूट हो सकता है ट्रांसमिशन कंपनी से, आपका डिस्प्यूट होता है सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी, स्टेट ट्रांसमिशन यूटिलिटी से, आपका डिस्प्यूट हो सकता है लोड डिस्पैच सेंटर से, आपका डिस्प्यूट हो सकता है आपके कंज्यूमर से। ये सारे डिस्प्यूट्स, चाहे वो कंज्यूमर्स के डिस्प्यूट हो, चाहे वो पावर सेक्टर के एंटिटी से डिस्प्यूट हो, चाहे वो आपके रेगुलेटर से डिस्प्यूट है, उन डिस्प्यूट्स को कैसे रिजॉल्व करें ये हम देखेंगे अपनी फोर्थ वर्कशॉप में, जिस वर्कशॉप का नाम है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इन पावर सेक्टर। सो 100% ऑल द डिस्प्यूट्स इन पावर सेक्टर्स विल बी डिस्कस्ड एंड व्हाट इज द वे फॉरवर्ड विल बी डिस्कस्ड इन दैट वर्कशॉप। सोलर एनर्जी इज अ इंटरमिटेंट पावर। सिर्फ सोलर नहीं, विंड इज ऑल्सो इंटरमिटेंट पावर। ये राउंड द क्लॉक नहीं है, 24x7 अवेलेबल नहीं होती है। तो सोलर में 8 घंटे आपके पास बिजली रहती है, बाकी 16 घंटे आपके पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होती है। अब इसका एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है और वो सॉल्यूशन है एनर्जी स्टोरेज। सो अगर राउंड द क्लॉक पावर प्रोवाइड करनी है तो एनर्जी स्टोरेज के लॉस एंड पॉलिसीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और साथ में आपको सोलर पावर प्लांट या विंड पावर प्लांट ओवरसाइज करके उसमें अगर आप एनर्जी स्टोरेज का कंपोनेंट जोड़ दें तो ये आपके लिए भी अच्छा है और इंडस्ट्री के लिए भी अच्छा है। इसके लिए हमारी फिफ्थ वर्कशॉप है जिसको बोलते हैं हम एनर्जी स्टोरेज लॉज एंड पॉलिसी की वर्कशॉप। दैट विल ऑल्सो बी ऑर्गेनाइज जॉइंटली बिटवीन सोलर इज माई पैशन एंड DGEF इन द मंथ ऑफ मार्च। पूरे इंडिया की सारी व्हीकल्स को हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाना है तो ऑलमोस्ट 40-50% ऑफ एडिशनल इलेक्ट्रिसिटी हैज टू बी जनरेटेड। और पूरे इंडिया में हमें चार्जिंग स्टेशन लगाने पड़ेंगे। जो भी बंदा चार्जिंग स्टेशन लगाता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चार्जिंग करने के लिए, उसको हम बोलते हैं चार्ज पॉइंट ऑपरेटर।
अगर आपको चार्जिंग पॉइंट लगाना है और अगर आपको चार्ज पॉइंट ऑपरेटर बनना है, तब ई मोबिलिटी लॉज और ई मोबिलिटी पॉलिसीज की जानकारी बहुत यूजफुल है। इसीलिए हमारी सिक्स्थ एंड फाइनल वर्कशॉप जो डॉक्टर गोपाल एनर्जी फाउंडेशन और सोलर इज माई पैशन जॉइंटली करेंगे, उसका नाम है ई मोबिलिटी लॉज एंड पॉलिसीज। सो आप सब लोगों को अगर इन सारे टॉपिक्स में इंटरेस्ट है, आप सब लोगों को लगता है कि ये टॉपिक्स आपके लिए यूजफुल रहेंगे, तो आप ये वर्कशॉप्स ज्वाइन कर सकते हैं। इस वर्कशॉप के सारे डिटेल्स लिंक में अवेलेबल हैं। आप लिंक में जा करके कंसर्न अथॉरिटीज से डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपके और भी कोई क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना है वो समझ सकते हैं। सो हैप्पी लर्निंग, हैप्पी नेटवर्किंग, कीप शाइनिंग। सी यू ऑल।